हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय टू फ्रेंड। तो आज के इस वीडियो में आपके लिए क्या है, सीबीएसई चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर। ये फिजिकल एजुकेशन की बुक है, हमारा अरिहंत की बुक है और लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इस बुक में आपको पिछले 12 सालों में सीबीएसई के जितने भी क्वेश्चन आए उसके आंसर्स मिल जाएंगे। अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और पासवर्ड वीडियो के एंड में पता चल जाएगा। बाकी अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, पासवर्ड दोनों चाहिए, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। मेरे टेलीग्राम चैनल का नेम है स्टडी ग्रुप 9th to 12th। जब आप टेलीग्राम पर जाकर स्टडी ग्रुप 9th to 12th सर्च करेंगे तो आपको मेरा चैनल आ जाएगा। वहाँ से आप जाकर ज्वाइन हो लीजिएगा, वहाँ पर आपको पीडीएफ और पासवर्ड दोनों मिल जाएगा। और पिछले कई फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथमेटिक्स सभी के मैंने आलिमन बुक का पीडीएफ और इसका चैप्टर वाइज का पीडीएफ मैंने अपलोड कर दिया है, वहाँ आप जाके देख लीजिएगा। बाकी एक बार मैं आपको इस बुक का बता देता हूँ कि इसमें कैसे क्या क्या गिवन है। अगर इस बुक से आप इतना ही पढ़ के जाते हैं तो आपके अच्छे खासे मार्क्स मिल जाएंगे। इसमें टोटल मार्क 10 चैप्टर है, उसके बाद लास्ट में आपका सैम्पल क्वेश्चन पेपर भी दिया गया है। इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में 10 चैप्टर आ रहे हैं, तो इसलिए सभी चैप्टर को पढ़ना इम्पॉर्टेंट है। लेटेस्ट सिलेबस भी हमारा इसमें गिवन है, आपको मैक्सिमम 70 मार्क्स का एग्जाम थ्योरी वाला होगा, 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होगा। आई थिंक प्रैक्टिकल एग्जाम आपका हो चुका होगा, अब आपको सिर्फ थ्योरी पढ़नी है। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि आप एग्जाम के एक दिन पहले वीडियो देख रहे होंगे। बाकी पहला चैप्टर हमारा, जैसे पहला चैप्टर मैनेजमेंट और स्पोर्टिंग इवेंट्स है। इसमें सबसे पहले आपका सब नोट्स गिवन है, हर एक नोट्स अच्छे से ऑर्गेनाइज वे में लिखा गया है इसमें। और नोट्स अगर एक बार आप थ्योरी नोट्स पढ़ लीजिएगा, नोट्स पढ़ने के बाद क्या क्या, जैसे अब इसमें आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसे ये क्वेश्चन लिखेंगे, आई वेरियस कमिटीज एंड डियर रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिखी है, तो आप पहले ये हेडिंग याद करके जाइएगा, थोड़ा बहुत लिख लीजिएगा तो आपको प्रैक्टिस बन जाएगी। उसके बाद इसके हेडिंग के अंदर आप थोड़ा बहुत बना के लिख सकते हैं तो आपको नंबर मिल जाते हैं। ये हमारे नोट्स हो गए। नोट्स के बाद इसमें 3 या 4 मेथड है आई थिंक। हाँ, ये सीडिंग मेथड हो गया हमारा, बाई मेथड हो गया, उसके बाद ये हमारा आता है मेथड ऑफ ड्राइंग पिक्चर्स इन नॉकआउट टूर्नामेंट। ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप एक बार जरूर देख लीजिएगा पीडीएफ डाउनलोड करके। उसके बाद मैं आपको थोड़ा आगे, ये हमारे यहाँ से नोट्स कंप्लीट हो जाते हैं, यहाँ से फिर हमारा प्रीवियस एग्जामिनेशन एंड अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी पिछले जितने भी साल में जो भी क्वेश्चन आए हैं उसके साथ साथ आपको इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी गिवे हैं। यानी फिजिकल एजुकेशन में सिर्फ अगर आप इस बुक से पढ़ लेते हैं एक दिन पहले भी, अगर 3-4 दिन का आपको गैप मिला हुआ है उसमें भी अगर आप पढ़ लेते हैं थोड़ा थ्योरी करके पीडीएफ डाउनलोड करके, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, इतना तो आप लिख सकते हैं। पहले आपको एमसीक्यू क्वेश्चन भी गिवन है, उसके बाद उसका आंसर इसमें नीचे दे दिया है। पिछले जितनी भी बुक में मैंने अपलोड किया है वहाँ पे आपको आंसर पीछे मिलता था, लेकिन इस बार आपको क्वेश्चन और आंसर साथ ही मिल गया। पहले हमारा 1 मार्क एमसीक्यू क्वेश्चन हो गया, फिर हमारा वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हो गया, उसके भी क्वेश्चन आंसर दिए हैं और यहाँ पर लिखा हुआ है कौन से एग्जाम में कब आया हुआ है। उसके बाद हमारे 3 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए, यही क्वेश्चन मैं कह रही थी, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से पढ़ के जाइए, प्रैक्टिस करके जाइएगा। आप यूट्यूब पे कहीं और सर्च कर लीजिएगा कि बाई मेथड से फिक्चर कैसे बनाते हैं। बाकी अगर आप कमेंट कहेंगे तो मैं इस चैप्टर के शॉर्ट नोट्स भी अपलोड कर दूंगा आपके एग्जाम से पहले, लेकिन मुझे उतनी रिस्पांस मिलती नहीं है। वीडियो बनाने के बाद बहुत ज़्यादा व्यूज़ आती है, तो 100-150 व्यूज़ ऐसे जाती है, तो उतनी मोटिवेशन मिल नहीं पाता है। अगर आप इस में कमेंट करेंगे, इस वीडियो को शेयर करेंगे, अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो मैं एग्जाम से पहले आपके फिजिकल एजुकेशन के शॉर्ट नोट्स दे दूँगा, और हो सके तो मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बता दूँ। इसलिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। यहाँ से हमारे 5 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए, ये हमारे 5 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए। उसके बाद हमारे चैप्टर 2 स्टार्ट है। ऐसे हमारे सभी चैप्टर के गिवन है, मैं वीडियो ज़्यादा लंबी ना करती हूँ, आपको पीडीएफ के बारे में बता देता हूँ। बाकी अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। लास्ट में आपको मैंने पहले ही बताया, लास्ट में आपको ये दिया हुआ है, क्या कहते हैं उसको, सैंपल पेपर। एक हमारा अनसॉल्व है, बाकी शायद 2 सॉल्व सैंपल पेपर हैं आई थिंक, जहाँ तक मुझे लग रहा है 3 अनसॉल्व पेपर ना आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। वो सभी क्वेश्चन आपको इस बुक में मिल जाएंगे, सिर्फ आप इस बुक को पढ़ लीजिए और कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। और फिजिकल एजुकेशन के एग्जाम एकदम ही चाहिए होता है, आपको डरने की भी जरूरत नहीं है।
बाकी अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। मेरे टेलीग्राम चैनल का नेम है स्टडी ग्रुप 9th to 12th। जब आप टेलीग्राम पे जाकर स्टडी ग्रुप 9th to 12th सर्च करेंगे वहाँ पर आपको मेरा चैनल आ जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो लीजिएगा। वहाँ पर आपको पीडीएफ पासवर्ड सभी मिल जाएगा और पिछले कई बुक का पीडीएफ मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आप कमेंट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे पास कमेंट आएगी, तो एग्जाम से पहले आपके शॉर्ट नोट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का भी वीडियो बना दूंगा। बाकी अगर आपकी कोई क्यूरी हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम आई डी है AYUSHMAURYA5.2। एक सेकेंड, इसका पासवर्ड हमारा है इस, जब आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक पर जाकर क्लिक करेंगे तो वहाँ पासवर्ड मांगेगा। जब पीडीएफ का पासवर्ड आप 8653 8653, जब आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक पर जाकर क्लिक करेंगे, आप पासवर्ड 8653 डालेंगे तो आपका पीडीएफ ओपन हो जाएगा। वहाँ से आप डाउनलोड करके पढ़ाई कर सकते हैं। बाकी इस चैनल पर आपको हैंडरिटन नोट्स, बुक्स, पीडीएफ, स्टडी मटेरियल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पीडीएफ और अदर मटेरियल मैं प्रोवाइड करता हूँ, भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसलिए अगर चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। एक बार आप मेरे चैनल जरूर विजिट कीजिएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर विजिट कीजिएगा। वहाँ पर आपको हो सके तो हैंडरिटन नोट्स का प्लेलिस्ट 3-4 चैप्टर की मैंने अपलोड कर दी है, वहाँ पर मिल जाएगी। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आने वाले टाइम पर एग्जाम से पहले आपके और वीडियोस अपलोड कर दूँगा। बाकी वीडियो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा और ताकि उनको भी बेनिफिट हो सके। और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन, अच्छे से एग्जाम देना और एग्जाम कैसा गया एग्जाम देने के बाद जरूर बताना। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ किसी नए टॉपिक में। तब तक ओके बाय, थैंक यू सो मच।